मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर के अंदर और डॉक्टर रजनीकांत नवाब साहब के आवास पर। मौका है 19 अक्टूबर का। ये 19 अक्टूबर वही दिन था जब 2020 में डॉक्टर रजनीकांत हम सबको छोड़ कर करके इस दुनिया को अलविदा कह गए। बड़ा भावुक पल। वो इंसान जो अपने पेशेंट से डायरेक्ट कनेक्ट करता था, मिलनसार मृदुल भाषी, आज चौथा साल है जो उनकी स्मृति में यहाँ पर कैंप लगाया गया है, संपूर्ण हेल्थ चेकअप कैंप। इस कैंप की खासियत यह है कि इसमें सर से लेकर के पैर तक इंसान अपना निशुल्क जांच करा सकता है, निशुल्क परामर्श करा सकता है। हम वीडियो से आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हम दिखाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जो यहाँ पर चेकअप कर रहे हैं। यहाँ पर आयोजकों से बात हुई, हम उनकी बात आपको सुनाएंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं डॉक्टर, उनसे हमारी बात हुई है, हम उनका भी वर्णन सुनाएंगे। ये डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव की याद में लगा हुआ कैंप है, हर साल लगता है। और इसमें खास बात यह है कि सभी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ आए रहते हैं और सारे लोग इसका निशुल्क लाभ उठाते हैं। और उसके बाद भी यदि किसी को विशेष सहायता की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि आंख है, तो आंख में किसी को विशेष जांच की जरूरत है, तो उसको फ्री जांच के लिए फ्री कूपन मिल जाता है कि हॉस्पिटल में जाकर के वहां जांच करा लेता है। किसी को सर्जरी की जरूरत है तो उसको फ्री सर्जरी के लिए कूपन मिल जाता है, उसका सर्जरी पूरा फ्री होता है, जिसमें उसको ना दवाई, चश्मा, जांच, लेंस, किसी चीज के लिए एक पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। तो ये सब सुविधाएं इसमें हैं और सारे विभाग के लोग यहाँ पे हैं। अभी हमारे बगल में डॉक्टर मजेशिया हैं, यहाँ के प्रसिद्ध मनोविज्ञान चिकित्सक, वो कुछ बातें बताएंगे। कौन-कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर लगा है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट का लगा हुआ है? शरीर में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब अगर कोई बाल, मस्तिष्क, कोई पेशेंट अगर मनोविज्ञान, तो होल बॉडी उसका चेकअप हो जाएगा, नाक कान, दांत, चेस्ट, हार्ट, न्यूरो, ऊपर से लेके पैर तक, जितना हड्डी तक, जो जो डिपार्टमेंट खोजिए सब मिलेगा। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आप आई से है, अगर यहाँ पर किसी को कैटरेक्ट या उससे ऊपर क्या कोई अगर बीमारी होती है तो क्या उसका भी यहाँ के कैंप के थ्रू निःशुल्क उसकी वो होगी? हाँ, कैंप में केवल जांच की व्यवस्था है, लेकिन जांच के बाद कभी कभी कुछ स्पेशल जांच की जरूरत पड़ता है, जिसमें हॉस्पिटल के मशीनों की जरूरत पड़ता है, तो वो जांच उसको फ्री कूपन मिलेगा और उस कूपन के जरिए वो जाके कराएगा। किसी को ऑपरेशन की जरूरत है तो वो ऑपरेशन थिएटर में होगा, तो हॉस्पिटल में वो भी फ्री है और सबको फ्री कूपन मिल रहा है। और लोग जैसे जैसे नंबर मिलेगा सर्जरी कराने का, हर साल सैकड़ों लोग ऑपरेशन कराते हैं और इस साल भी उम्मीद है कि लोग कराएंगे। थैंक यू सर। आज जो कैंप लगा है, इसमें आपके डिपार्टमेंट की क्या भूमिका? देखिए, आजकल मानसिक रोग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें मुख्य कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे मरीजों में उलझन, उदासी, घबराहट वगैरह, नींद नहीं आना, ये सारी समस्याएं होती है। ये कैंप डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव के स्मृति में लगा हुआ है, ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों से ये चल रहा है। इसमें हर विभाग के डॉक्टर सर से लेकर के पैर तक, हम मानसिक रोग के हैं, दूसरे लोग न्यूरो के भी है और हड्डी के भी है, न्यूरो सर्जरी के है
अभी डॉक्टर अनिल ने बताया कि जो है ऑप्थाल्मिक्स के भी हर विभाग के भी लोग, गायनी के भी है, सब विभाग के है। हम लोगों की जो समस्याएं हैं मानसिक रोग, ये सबसे बड़ी समस्या है समाज में रहने के लिए, आम पब्लिक के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। आज आपके कैंप या आपकी टीम यहाँ मौजूद है जी, उनको भी आप काउंसलिंग निशुल्क कर रहे हैं जी। जी काउंसलिंग प्लस साथ में दवाएं भी जो है फ्री दी जा रही है। अगर किसी की इससे ज्यादा बीमारी हुई तो उसको भी क्या बाद में? बाद में जी, यहाँ अभी डॉक्टर अनिल ने बताया कि फ्री कूपन मिल जाता है, उसको अपने क्लिनिक पे वहाँ दवाई फ्री दे सकता है, बगैर फीस के भी दवाई दी। ये जो आयोजन हो रहा है ये मेरे ख्याल से तीसरा साल है? नहीं, ये चौथा साल है। ये किस तरह का आयोजन है? ये यहाँ पे सारे मेडिकल हेल्थ चेकअप होते हैं और डॉक्टर सारे आकर के देखते हैं और जांचें भी होती हैं, और जितने भी यहाँ के न्यूरो यूरो मतलब हर तरह की जांच यहाँ पे होती है, सारे डॉक्टर्स। शहर के वरिष्ठ लोग जितने भी चिकित्सक बहुत नामी ग्रामी है, सब लोग भैया से सबकी बहुत मित्रता थी, तो भैया के लिए वो लोग चलेगा ये चार अभी तो डॉक्टर साहब 4 बजे तक शुरू कर दिए हैं, लेकिन 4 बजे के बाद अगर मरीज रुके रहते हैं तो लोग देख करके जाते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे किसी के क्रिटिकल केस है या किसी का कॉम्प्लिकेशन है तो उसको बाद में देखने की जरूरत पड़ती है, तो उसकी भी सुविधाएं आप प्रदान करते हैं? ये जो कैंप का हम लोगों ने वो बनाया हुआ पैड, तो उसे अगर लेके जाते हैं तो डॉक्टर की आज के दिन सारी जांचें फ्री, सारा परामर्श फ्री, और यहाँ तक कि मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सब फ्री है, एक्सरे फ्री है। इसके बाद अगर वो मरीज को दवा दी जाती है, अगर मरीज को ठीक हो जाता है तो जाकर के डॉक्टर भी क्लिनिक पे फिर मिल लेता है। आज यहाँ पर कौन बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं? यहाँ पे जैसे राजदीप से डॉक्टर राजेश यादव हैं, कान के राज नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव हैं, न्यूरो के डॉक्टर आर के मल साहब हैं, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आसिफ मसूद साहब हैं, पैथोलॉजी में डॉक्टर विनोद साहब हैं, यहाँ भैया के बाद डॉक्टर वीरेश गुप्ता बैठते हैं वो हैं, और इसके अलावा जो है शहर में अभी एक नया एम्स से आया है पेन स्पेशलिस्ट फिजिशियन डॉक्टर दलजीत सिंह है, और भैया का खुद का बेटा डॉक्टर अभिलाष जो अपोलो में ऑर्थोपेडिक्स है वो आया हुआ है, और इसके अलावा यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर विश्रुत भारती अभी आया है, और गैस्ट्रो में जो है वो डॉक्टर ऋषभ गुप्ता, मानसिक रोग में डॉक्टर सी बी मदेसिया साहब और अभिनव जी हैं, आर एन सिंह साहब बच्चों वाले में हैं, और राजेश गुप्ता साहब हैं, और बच्चों में और एस एम सिन्हा साहब हैं, डॉक्टर तुषार सिन्हा हैं, और गायनी में डॉक्टर सुरेता करीम हैं, मीनाक्षी गुप्ता साहब हैं, सुगंधा भारती हैं, उनकी बहू ईएनटी में है तन्वी और अर्पित श्रीवास्तव हैं, और इसके अलावा जो है प्लास्टिक सर्जरी विभाग में डॉक्टर आसिफ मसूद हैं, सर्जरी विभाग में जो है डॉक्टर विजात करीम हैं, हर्षवर्धन राय साहब हैं, और एनपी सिंह और गजाला रुक्षी जी हैं। इसके अलावा डॉक्टर सी मदेसे साहब आ गए हैं, देखिए हम लोग डॉक्टर नवीन साहब हैं। भैया आप लोग एक मिनट आइए, तो आप विजुअल्स में देख रहे थे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, आप पीछे देख सकते हैं कितनी पेशेंट्सों की भीड़ है, सिर्फ इस मौके का लाभ उठाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह का हमको हम आह्वान करेंगे कि इस तरह का आयोजन शहर के अंदर क्या पूर्वांचल के अंदर कई और होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली।